विशाल को कोई गोली मारकर चला गया है। क्या? मैं उनकी पत्नी हूँ, मिसेस प्रियंका भाटिया। उसने प्रियंका के लिए मुझको 5 लाख रुपए दिए और तुमने विशाल के लिए 10 लाख। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। अब इंसाफ तो मुझे सिर्फ विशाल से चाहिए। कितने सही वक्त पर सही जगह पर पहुंच जाती हो ना। विशाल को खून की सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई, जिसकी वजह से मेरा दम घुट रहा है। और आज मुझे ही उसे सांसें देनी होगी। चलो अंकल। पूजा बेटी, तुमने जो आज हम पर एहसान किया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। तुमने तो मुझे ऐसा कर्जदार बना दिया कि मैं अपनी सारी दौलत देकर, यहां तक कि अपनी जिंदगी देकर भी उस कर्जे को कभी नहीं उतार सकता। अंकल, शुक्रिया मेरा नहीं, प्रियंका का अदा कीजिए। असली जिंदगी बचाने वाली तो ये है, क्योंकि इसी ने मुझे बताया कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। विशाल सिर्फ प्रियंका का है, सिर्फ प्रियंका का अंकल, और किसी का नहीं। विशाल खतरे से बाहर है। वो अब होश में आ चुका है। कांग्रेचुलेशन बेटे, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। उसके बदले तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं माँ जी, बड़े बुजुर्ग तो आशीर्वाद दिया करते हैं। माँ जी, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने भी कुछ चाहा है, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं। तुम रो क्यों रही हो माँ? अरे मैं इतनी जल्दी थोड़ी तुमसे दूर जाने वाला। अभी तो मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, तुम्हारी देखभाल करनी है। माँ की देखभाल करेगा, पहले तू तो ठीक हो जा। बेटे विशाल, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी कुछ दिनों तक तुम्हारी आंखों पर पट्टी और बंधी रहेगी, इसलिए हमने तुम्हारी देखभाल के लिए मिस आरती को इंगेज कर लिया है। लेकिन वो बेचारी बोल नहीं सकती है, बचपन से गूंगी है वो। आरती बेटी यहाँ आओ। हेलो आरती। क्या? हेलो आरती, अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी दोस्त बनकर मेरी देखभाल करोगी, फिर मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊंगा, है ना? मम्मी, डैडी, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप दोनों ने मुझे सेवा का मौका दिया और उनकी सेवा में ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बेटे, ये कह के हमें शर्मिंदा मत करो। तुमने जो कुछ भी किया ये क्या कम है? डैडी, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डैडी, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ। बोलो बेटा।
आप कभी विशाल पे ये जाहिर मत होने देना कि मैंने उसकी देखभाल की है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तो खुश जी। अच्छा मैं चलता हूँ। टेक केयर। माम चलिए, उनकी दवाई का टाइम हो गया है। अरे आरती आ गई तो? ओ नहीं, ये वाली दवाई नहीं प्लीज आरती, ये बहुत कड़ी, मुझे उल्टी हो जाती है। आखिर पिलाकर ही छोड़ी ना। सच आरती, तुम मेरा कितना ख्याल करती हो। मैं जानता हूं कि तुम सच्चे दिल से मुझे अच्छा होता देखना चाहती हो। कैसा इत्तेफाक है ना, मैं तुम्हें देख सकता हूं और ना ही तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं। कितनी अच्छी हो तुम, एक तुम हो और एक वो है प्रियंका, मुझे बर्बाद कर देना चाहती है वो। जानती हो आरती, मुझे तो लगता है कि मुझ पर गोली भी उसी ने चलाई होगी। विशाल। अरे माँ। एक बात पूछो बेटा। पूछो ना माँ, पूछो। क्या तुम्हारे दिल में प्रियंका के लिए कोई जगह नहीं है? माँ ये भी किसका नाम ले लिया तुमने। माँ प्रियंका तो मेरे नफरत के लायक भी नहीं है। प्लीज माँ प्रियंका की बातें मत करो प्लीज। ठीक है बेटा, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आरती बेटा जाओ, जाकर आराम करो। प्रियंका ये सब क्या है? ऋतु तुम सब कुछ जानती हो फिर क्यों पूछ रही हो? मैं तो सब कुछ जानती हूं लेकिन शायद तुम बहुत कुछ भूल गई हो। प्रियंका इस तरह हॉस्पिटल में एक मामूली सी केयरटेकर बनकर विशाल की सेवा करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। आखिर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? तुम रिश्ता भी जानती हो ऋतु। प्रियंका रिश्ते दो दिलों के जुड़ने से बनते हैं, तुम क्यों फिजूल में अपना दिल एक ऐसे पत्थर दिल इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो जो हर तरह से तुम्हें ठुकरा चुका है? तुम्हारी ये एक तरफा मोहब्बत सबकी नजरों में तुम्हें बहुत नीचा गिरा रही है। प्रियंका ये मत भूलो कि तुम खुद एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो, तुम्हारी करोड़ों की कंपनी है, समाज में तुम्हारा नाम है, इज्जत है। आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इस हॉस्पिटल में एक मामूली सी केयरटेकर बनकर काम करने की? ऋतु तुमने दुनिया देखी है लेकिन प्यार नहीं देखा। प्यार का मतलब समर्पण, त्याग और बलिदान होता है। दौलत शोहरत स्टेटस प्यार के सामने तो कुछ भी नहीं है। और एक केयर टेकर होके मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। भले ही मैं अपनी स्टेटस से बहुत दूर हूँ लेकिन अपनी मोहब्बत से तो नज़दीक हूँ। वो तुम्हारी ये बातें, मुझे नहीं पता था प्यार में लोग इस तरह पागल हो जाते हैं। प्रियंका तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। ऋतु प्लीज प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, तुम जानती हो कि मैं कितनी जिद्दी हूं।
अपने मकसद को पाने के लिए मैं कई साल तक इंतजार भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझ में इतना धीरज नहीं है। प्रियंका, तुम तो पता नहीं किस दुनिया में खो गई हो, लेकिन तुमने खुद मुझसे कहा है कि मैंने दुनिया देखी है। इसीलिए तुमसे कहती हूँ प्रियंका, तुम्हारा ये प्यार तुम्हें एक दिन ऐसी मंजिल पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम वापस लौटने लायक भी नहीं रहोगी। मेरी इस बात को याद रखना प्रियंका। गुड मॉर्निंग रघुराज। हाउ गोविंद। अरे कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग। बैठो। बहुत अच्छे हो तुम आ गए। मैं जैसे कि तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? गोविंद, मैं अपनी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम तो हमेशा अपनी दोस्ती का हक अदा करते रहे और मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती पर शक करता रहा। जहां जहां मैं गिरा वहां तुमने मुझे संभाल लिया। और प्रियंका, उसने तो जो एहसानात हमारे ऊपर किए हैं उसका मैं बयान भी नहीं कर सकता। गोविंद, मैं उसके एहसानों के तले दबा हुआ हूं, उसके बोझ तले दबा हुआ हूं। मैं, मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी गोविंद, कि मैं उसके देवी स्वरूप को पहचान ही नहीं पाया। किसी के बुरे वक्त पर उसकी मदद करना बहुत बड़े कलेजे का काम है। ऐसे एहसान का, ऐसी फयाजी का, ऐसी फराख दिली का कर्जा जिंदगी में कभी नहीं उतारा जा सकता। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि प्रियंका के गहने और उसका घर जितनी जल्दी हो सके उसको वापस कर दिया जाए। विशाल की जिंदगी पर जो प्रियंका की दी हुई जिंदगी का कर्जा है उसे तो मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। कर्ज उतारे जा सकते हैं रघुराज, सभी कर्ज उतारे जा सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दो कर्ज ऐसे हैं जो उतारे नहीं जा सकते। एक है मां की ममता और दूसरा पिता का प्यार। और रहा विशाल की जिंदगी के कर्ज का सवाल, उसे प्रियंका को नई जिंदगी देकर उतारा जा सकता है। और प्रियंका को नई जिंदगी देना उसका मतलब भाटिया खानदान की बहू बनाना। जी हाँ, मैं तो कहती हूं हमारे इस घर के लिए एक संस्कारी पढ़ी लिखी बहू मिल जाए, उससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? क्यों गोविंद जी? बेशक रघुराज, प्रियंका वाकई बहुत अच्छी लड़की है। गुड, वेरी गुड, काफी इंप्रूवमेंट है। तुम्हारे बाजू का जख्म भी अब भर चुका है,
गुड विशाल, ये तो वाकई कमाल है। मुझे लगा तुम्हें तो कुछ दिनों के लिए यही रहना होगा। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत कुछ है, और वो है इंसान की सेवा। इस लड़की ने दिन रात तुम्हारी जो सेवा की है, उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये आंखों की पट्टियां भी खुल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू आरती। आरती बेटी, तुम विशाल को अब ले जाओ। कमला, टेक केयर। अनिशा से छुप छुप के मिलने में कोई मजा ही नहीं है। तुम्हारा आधा वक्त तो ये कहने में निकल जाता है कि हमें कोई देख लेगा, और आधा वक्त ये कहने में निकल जाता है कि तुम्हें घर जल्दी जाना है। एंजॉय करने के लिए हमें कोई टाइम ही नहीं मिलता। तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। देखो, आज सैटरडे नाइट है, हम डिस्को चलते हैं। वहाँ वक्त भी गुजर जाएगा और किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। नहीं कमल, मैं यहाँ तक तुमसे मिलने आ गई यही बहुत है। डिस्को क्लब नहीं आ पाऊंगी। कम ऑन अनिशा, तुम ऐसे घबराओगी तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ चल सकती थी कमल, लेकिन भैया से मिलने हॉस्पिटल जाना है। यही तो मौका है। देखो, विशाल भैया हॉस्पिटल में है, घर में सभी का ध्यान उन्हीं पर है। हम आधे घंटे में लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कम ऑन अनिशा। नहीं प्लीज कमल, आज नहीं। क्यों, मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है कमल। तो फिर ठीक है। That's the spirit. Come on. कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब क्या करें? चलो खाने ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, विशाल की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। हाँ, और ये सब प्रियंका की सेवा का नतीजा है। जी, वो बेचारी क्या क्या नहीं कर गुजरी हमारे लिए। और ये भी चलो बड़ा अच्छा हुआ कि अनिशा और कमल का रिश्ता भी खत्म हो गया। उस कमबख्त ने पता नहीं क्या जादू कर रखा था मेरी बेटी के ऊपर। ठीक कहते हैं आप, अच्छा हुआ उसे नौकरी से निकाल दिया गया, वरना हमारी बेटी की नादानी पता नहीं हमें क्या क्या रंग दिखाती। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो सोता हूं, तुम भी सो जाओ। इस वक्त इतनी रात गए कौन आ गया? मैं ही जाके देखता हूं। अनिशा, इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ भाटिया साहब, आप इस शहर के एक इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी को लेकर यहां आ गया। ये कमल नाम के एक लड़के के साथ एक बदनाम डिस्को क्लब में मौजूद थी। उन लोगों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल है। हाँ, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। रुको, मैंने तुमसे मना किया था ना उस आवारा लफंगे लोफर कमल से मिलने के लिए।
फिर भी तुम उससे मिलने के लिए गए उस बदनाम रेस्टोरेंट में? अगर तुम्हें अपनी मान सम्मान मर्यादा का कुछ ख्याल है या नहीं, इस घर की इज्जत का कुछ ख्याल है या नहीं तुमको? और फिर आधी रात को तुम घर में क्या करने के लिए आए हो? सवेरे आती? I'm sorry, Dad. चुप रहो तुम। तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। अगर वो इंस्पेक्टर मेरे रुतबे का ख्याल करके तुमको यहां नहीं लाता तो जानती हो क्या होता? कल सारे अखबारों में मेरी इज्जत, मेरे सम्मान, मेरी मर्यादा के ऊपर कीचड़ उछाला गया होता। पूरा शहर मेरे ऊपर थू थू कर रहा होता। अगर तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। अभी अभी हम तुम्हारी तरफ से सुकून में थे और तुमने ये हरकत कर डाली। लगता है तुम अपने माँ बाप को चैन से जीने नहीं देना चाहती हो। तुम तो जानती हो अभी अभी हम सब एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं और तुम्हें परवाह नहीं। जाओ अपने कमरे में।